प्लीज माँ जी, बाबूजी को आप ही रोक सकती हैं। आपके बगैर हमारा क्या होगा? इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है, और फिर जाने के लिए मैं खुद कह रही हूं, तो रुकने के लिए मैं क्यों कहूं? माँ जी, आपको हमसे शिकायत थी ना कि हम सब आधे अधूरे हैं, लेकिन माँ जी अब तो मैं मां बनने वाली हूं, फिर भी आप चली जाएंगे? कांति, अंत में सभी ने छोड़कर जाना है। छूट जाना क्या होता है और छूट जाना क्या होता है, ये जरा तुम भी सोचो और हमें भी सोचने दो। यानी हम आपकी छत्र छाया में रहे, इसकी हमें सजा मिलेगी क्या? ललित, तुम्हें कुछ नहीं कहना है क्या? मां, मैं क्या कहूं? जब आप जा रहे हैं तो मतलब जा ही रहे हैं ना? जी हाँ, हम जा रहे हैं, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाहो तो इसे ऑर्डर समझ लो। हमारे घर में दो मेहमान हैं, कलेक्टर दीनानाथ और डीसीपी चतुर्वेदी, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी माँ, इतना यकीन रखिए। ऐसी बात हुई कि शादी हो गई है, फूलों की सेज पर दुल्हन बैठी है, और हम सुहागरात नहीं मना सकते। मतलब यह कि किसी भूखे आदमी के सामने 36 तरीके का खाना रख दो और उसे ये कह दो कि 6 महीने तक कुछ नहीं खाए। ओह, तो तू हीरो की बात कर रहा है? और नहीं तो किसकी? मेरा बस चले तो मैं हीरो के पकोड़े तल के खा लेता। यार, एक एक हीरा नहीं बेच सकते हम लोग? जोगी ने मना किया है। जोगी ने मना किया है तो कहां है जोगी? हाँ, कहां है भुवनेश? दोनों नहीं है। क्या पता कि वो हीरे बेचकर कहां पर ऐश की जिंदगी जी रहे हो। अगर एक दाना भी, एक हीरा भी बिकाना, तो हम किसी 5-स्टार होटल में 5-स्टार लड़की के साथ ऐश की जिंदगी बिताएंगे। मगर तू उन हीरो को बेचेगा कैसे? अगर पकड़े गए तो? तू उसकी चिंता ना कर, एक सुनार का बेटा मेरा दोस्त है, वो कई जौहरियों को जानता है, वो मेरा कुछ भी परिचय करवा कर हीरा बिकवा देगा। चलता 5-स्टार होटल। शिकार पार्टी कहते हैं। शिकार में ये साथ हो तो फर्स्ट एड की जरूरत नहीं पड़ती। Good morning.
ये तो आप गए दिन भर के लिए। अगर आप आराम करना चाहती हैं तो आराम कर लीजिए। अगर आपका कहीं घूमने जाने का इरादा हो तो मुझे कहिएगा, मैं आपको घुमा लाऊंगा। नहीं, मैं आराम करूंगी। ऐसा लगता है कि 7 जन्मों की थकी हुई हूं। बांद्रा जुए के अड्डे से 75,350, नरीमन पॉइंट आंटी के वहां से 1,50,300, वर्ली बाजार से पूरा 2.5 लाख, कुल मिलाकर 4.5 लाख। 4,50,650। हाँ तामली साहब, 4,50,650। ठीक है, धंधा बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ और करना पड़ेगा जुम्मा खान, कमाई कुछ नहीं है और खर्चे ज्यादा हैं। अगर ऐसी रातों में तुम लोगों को क्या दूंगा और खुद क्या खाऊंगा। आप कहें तो जोगेश्वरी की बस्ती से भी हफ्ता वसूल करना शुरू कर दूं। अरे नहीं जुम्मा खान, उन गरीबों के पास है क्या जो हम उनके पास से छीने। खाने तो खान की तरह बात करो। 1 लाख गरीबों के पास से 1-1 रुपया वसूल करने से अच्छा है 2 अमीर मुर्गों के पास से 50,000 रुपया ले ले। एक बात याद आई तामली साहब, मैं कल एक जौहरी की दुकान में बैठा था, जिक्र हो रहा था कि 2 नौजवानों ने 1 हीरा बेचा है 3.25 लाख का। 1 हीरा बेल्जियम कट। तो हीरे तो रोज बिकते और खरीदे जाते हैं। हाँ, लेकिन ये 2 नौजवान न तो हीरे परखने वाले जौहरी थे और न ही हीरे बेचने वाले व्यापारी। चोरी का माल लगता है, और अगर ये चोरी का माल है तो न जाने और कितने हीरे उनके पास हो। 10 करोड़ के हीरे दिए थे उसने। जुम्मा खान, अगर एक भी हीरा और बिका तो मैं जानना चाहूंगा कि वो नौजवान कौन है, कहां ठहरे हैं, ये भी जानना चाहूंगा। लेकिन हीरा बेचकर वो तो कब के गायब हो चुके होंगे। मेरी बात गौर से सुनो और समझो। इसे कहते हैं जिंदगी, और ये रुपया अच्छी जिंदगी में जाने का परमिट, पासपोर्ट और लाइसेंस। मॉरिशस चलता है क्या? अरे मॉरिशस वो तो चलेंगे यार, लेकिन एक बार एल ताज जाके देख ले यार। जब भी वहां से गुजरता हूं तो एक ही हजरत से उठाई होती है कि एक बार प्रिंस की तरह मार। और सुना है कि लड़कियां वहां मालिश भी करती हैं। मेरा एक सजेशन है। क्या? क्यों ना हम रिट्रीट में चलकर आए और हीरा सिंघानी से मालिश कर। अचानक पैसा आने पर लोग इसी तरह की पागलपन करते हैं। खैर, कुछ दिनों तक एलताज में ही रहेंगे, उसके बाद मॉरिशस तो जाना ही, और फिर दूसरा हीरा बेचकर क्यों ना हम वहां पे हीरा बेचते। तो चल फिर चलते हैं और एलताज में चल के रहेंगे। अबे बंगड़ू, पहले अलताज जैसी अपनी पोजीशन तो बनाए, हैं? शॉपिंग करते हैं, अपना हुलिया ठीक करते हैं, और फिर एक प्रिंस की तरह वहां पर एंट्री मारते हैं। और यार वो लड़की 5 स्टार। सब हो जाएगा, बेसब्रा मत बन, चल समेट रुपए। तो कोई शिकारी नजर नहीं आता। मौत के सामने आने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है, उन्हें भी तो बू आ जाती है शिकारियों की। तो इसका मतलब थोड़ी सी झपकी तो ली जा सकती है। बिल्कुल,
पहले मैं सोता हूँ, तुम होशियार रहो, फिर मैं गन संभालूंगा, तुम सो जाना। वैसे गन चलानी आती है ना तुम्हें? हाँ सीखी थी उस कमीने की वजह से। किस कमीने की वजह से? वही कमीना जो सपना को उठा कर ले गया था और जिसे बड़ी माँ ने 10 करोड़ रुपए के हीरे दिए थे। हाँ सोनाली ने मुझे बताया था कुछ। बड़ी माँ ने तो कसम खाई है, छोड़ेंगे नहीं उसे। छोड़ना भी नहीं चाहिए ऐसों को। I said no. It has to be cash and not paper. All right? Yeah, this is Lalit. Hello, हम बोल रहे हैं। अच्छा वो फोन तुम ही नहीं उठाया। हम कौन? अरे तामली। तामली? कौन? अच्छा बच्चों, अब हम ही को नहीं पहचानते। बर्फ खाने में बर्फ की सिल्ली की तरह जमे पड़े थे तब बचाने कौन आया था? अगर हम ना होते तो तुम्हारे बाबूजी अभी तक रो रहे होते। ओ आप माफ कीजिएगा, मैंने आपको नाम से पहचाना नहीं। अरे हम काम से ही तो पहचाने जाते। अब गौर से सुनो, एक हीरा बिक चुका है जिसका मतलब है उनको पैसों की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो दूसरा हीरा भी बिकने के लिए आएगा। हीरा? हाँ हीरा, उनमें से एक जो तुम्हारे लिए किसी और ने दिए थे। बहुत महंगे हीरे हैं। बेल्जियम कट सूरती कट नहीं है, और तुमको सुनकर हैरानी होगी कि शहर बम्बई में 997 दुकानें ऐसी है जो इतने महंगे और चोरी के हीरे खरीद सकते हैं। हर दुकान पर हमारा आदमी मौजूद है ताकि बेचने वाले को पहचाना जा सके। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? तो क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत हीरो के तौर पर किसने वसूल की? इंतकाम, बदला। I'm sorry sir, मैं जरूर जाना चाहूंगा। ठीक है, तो तुम्हारी हम ये खिदमत कर सकते हैं, लेकिन इस बार खिदमत के दाम लगेंगे। जी आप जो कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है, तो हमारे अगले फोन का इंतजार करो। ललित, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? क्या बाबूजी की सेहत का क्या तुम्हें मालूम नहीं? एक तो उन्हें दिल का दौरा, तुमने देखा नहीं ना? मैंने देखा था। माँ जी कहती कि वो मुझे नहीं समझती, मैं तुम्हें भी नहीं समझती। क्या तुम उन्हें रोकोगे नहीं? प्लीज ललित। डोंट वरी माँ, सब ठीक हो जाएगा। It has 350 acres of land and it stretches out over the beautiful Dorset coast, benefiting from a deep water port and an extensive complex of buildings. Property is privately developed. मुझे यकीन है अगर सपना को बेटा हुआ तो ये न्यूज बीबी से भी जरूर आएगी। ऐसा क्यों कह रहे? न्यूज इसलिए नहीं आएगी कि वो सपना का बेटा होगा, बल्कि इसलिए आएगी क्योंकि वो इला सिंघानी का पोता होगा। इसमें बुराई क्या है? न्यूज आनी ही चाहिए। अच्छा माँ, अगर बेटी हुई तब तो खबर नहीं आएगी। तुम्हारे दिमाग में ये उल्टे सीधे सवाल आते कैसे? आपने सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर्स भेजे थे तो मतलब ये कि आप ये जानना चाहती हैं कि बेटा होगा या बेटी, फिर शायद
उसी हिसाब से आपका बर्ताव होगा। जिद ने तुम्हें अकल का दुश्मन बना दिया है। मैं बेटा या बेटी के बारे में पहले से इसलिए जानना चाहती थी ताकि उसी हिसाब से अरेंजमेंट हो सके, प्रॉपर्टी, शेयर्स, पोजीशंस, गिफ्ट्स और फिर इनकम टैक्स। ये सब बेटे और बेटी के लिए अलग अलग होते हैं। मुझे रंज हुआ ये जानकर कि तुमने मुझे इतना छोटा समझा कि अगर बेटी हुई तो मुझे खुशी नहीं होगी। सपना ने जब सोनोग्राफी के लिए मना किया था तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा, मगर तुम, निखिल, तुम अपनी माँ को कब समझोगे? अब रोंदू बच्चे की तरह मुंह मत लटकाओ और ये बताओ कि बहू की डिलीवरी में कितने दिन बाकी है? डॉक्टर्स ने 13 दिन कहे हैं, मगर हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए। तो फिर बहू को डिलीवरी तक वहीं रहने देना। 24 घंटे डॉक्टर और नर्स उसकी देखरेख करेंगे। और फिर ये सब यहाँ भी हो सकता है, लेकिन जैसे वहाँ हो सकता है वो यहाँ नहीं हो सकता है। संजीत भी यही चाहता है, उसका मकसद कुछ और है। उसका मकसद क्या है मैं जानना भी नहीं चाहती, मगर अकलमंदी इसी में है कि बहू डॉक्टरों के देखरेख में रहे, खास तौर से इस हादसे से गुजरने के बाद। मैं हुक्म देने से डरती हूँ, तुम लोग सब बड़े हो गए हो, मगर संजीत के चाहने की वजह से तुम मना मत करना, सपना वहां ज्यादा अच्छी रहेगी। संजीत भी वही चाहेगा जो आप चाहेंगे, क्या मैं समझता नहीं हूं? 1 तीर से 2 शिकार ये तो सुना था, मगर 2 तीर से 1 शिकार, वाह। नौकरों के कपड़े पहनकर नौकरों की तरह क्यों खड़े? हम नौकर थे और है, ये हम भूले नहीं। और मालिक कई बार जाते हैं तो नौकर साथ ही जाते हैं। ये क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा? एकदम ठिकाने पे है, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। आपकी सेहत के बारे में हमें डॉक्टर से पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है। ये क्या दीवानगी है? मैं इतना छोटा नहीं हूं कि मेरी देखभाल की जाए, और ना मैं इतना बड़ा हूं कि एक डीएसपी, एक कलेक्टर नौकरों की तरह मेरे साथ जाए, खास तौर पर जब मुझे ही मालूम नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं। एग्जैक्टली पापा, क्योंकि आप जानते नहीं कि आप कहां जा रहे हैं, इसलिए इन लोगों का आपके साथ जाना बहुत जरूरी है।
अब पापा अपना सच ढूंढे, अब हमें कोई फिक्र नहीं। अब हमें अपनी सच की फिक्र करनी चाहिए।